सबसे पहले हमने ले ली एक मूली और दो गाजर। मूली को हमने धो लिया है, गाजर को भी धो लिया है, तो अब इनको हम छील लेंगे। मूली को हम इस तरह से छील लेंगे। पहले मूली को छील लिया, अब इस तरह के ग्रेटर के साथ में इसको कस लेंगे। मूली को हमने कस लिया है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा ये इसका एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो नमक के साथ में निकल जाएगा। और अब हम जब तक अपने गाजर को छील के और कस लेते हैं, छील लेंगे और उसे इसी तरह से कस लेंगे। इनको भी हमने कस लिया है और ये अब अपनी मूली इसमें देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। तो अब इसको हम पानी को अलग निचोड़ देंगे, सारा पानी अलग निकाल देंगे मूली का। इस तरह से निचोड़ देंगे, मतलब कि सारा पानी अलग निकल जाएगा। इस पानी को अब हम छान लेंगे। तो आइए अब हमने सलाद डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेंटर में हमने मूली रखा, अब इसके साथ चारों तरफ हम गाजर लगाएंगे। सलाद आप किसी भी चीज़ का बनाए ओब्वियसली वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, लेकिन जब उनको अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, तो देखने वाले के मुंह में ऐसे ही पानी आ जाता है और आराम से सब लोग सलाद खा लेते हैं। एक हम राउंड गाजर का बनाएंगे, इसके बाद हम एक राउंड इस तरह से मूली का बनाएंगे। सलाद को प्रेजेंट करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसे तरीके बता रही हूँ जिनमें दिखने में बहुत सुंदर हो जाता है लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है। ज़्यादा हमें इसमें कोई तरह तरह की कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गाजर और मूली ली है और कस के उनको इतने सुंदर तरीके से, अब ये बनने के बाद इतना सुंदर लगेगा, ये देखने वाले के मुँह में ऐसे ही पानी आ जाएगा। और सर्दियों में गाजर बहुत आती है, मूली भी बहुत आती है, फ़ायदेमंद तो होती है ओब्वियसली, गाजर आँखों के लिए फ़ायदेमंद होती है। देखिए 5 मिनट में ही कितना अच्छा अपना सलाद रेडी हो चुका है, देखते ही खाने वाले के मुँह में पानी आ जाए।